हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स दोस्तों सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम इस तरह के सेंटेंसेस बना सकें। जैसे हम बोलते हैं, मैंने उसे हंसा दिया, या उसने मुझे रुला दिया, या मैंने पंकज से बैग उठवाया। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम अच्छी तरह से बना सकें, इसके लिए हमको पॉजिटिव वर्ब्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पॉजिटिव वर्ब्स कितने होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इसलिए दोस्तों हम आज की क्लास में ये सीखेंगे पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में। मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश लिखने और बोलने के लिहाज से तो ये क्लास जरूरी है ही। अगर आप किसी कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जो सबसे पहली बात पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में हमको जाननी चाहिए वो ये है कि द पॉजिटिव्स आर वर्ब्स दैट आर यूज टू इंडिकेट दैट वन पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वन पर्सन कॉजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट पर्सन। कि जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी के काम करने का कारण बने, जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने पंकज से बैग उठवाया, तो मैं पंकज के बैग उठाने का कारण बन गया। देखिए, कॉज का मतलब ही है कारण या कारण बनना, इसलिए इनको पॉजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। तो ये पॉजिटिव वर्ब्स है। दूसरी बात जो यहाँ बताई गई पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में कि वन कैन कॉज सम बॉडी टू डू समथिंग फॉर हिम और हर, कोई आदमी किसी से कोई काम करवाएगा कैसे, बाय आस्किंग, रिक्वेस्टिंग और फोर्सिंग दैट द पर्सन। यानी या तो किसी को बोल के, या किसी से प्रार्थना करके, या किसी के साथ जबरदस्ती करके अगर हम किसी काम को करवाएं, तो इस बात को जिस वर्ब के माध्यम से कहेंगे उसी को पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि पॉजिटिव वर्ब्स कितने होते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है दीज आर द पॉजिटिव वर्ब्स, हैव, गेट, मेक एंड लेट। वैसे तो पॉजिटिव वर्ब्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन चार पॉजिटिव वर्ब्स हैं वो यही हैं, और इनके बारे में हमको जरूरी पता होना चाहिए कि इनको कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हैव से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हैव के दो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर एंड यूजेज। तो पहला स्ट्रक्चर है वो पहले सीखते हैं, फिर दूसरा स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो यहाँ जो पहला स्ट्रक्चर है हैव का, वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैव, और यहाँ लिखा है एनी टेंस। इसका मतलब ये है कि आप हैव का किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अगर आप हैव को प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे तो हैव के दो फॉर्म्स होंगे, हैव और हैज। अगर पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो वो हैड हो जाएगा, और अगर फ्यूचर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो वो विल हैव हो जाएगा। ये हमको याद रखना है। अच्छा, इसमें जो ऑब्जेक्ट है दैट इज यूजुअली अ पर्सन, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा एक आदमी होगा। जैसे अगर आप बोलें कि मैंने पंकज से कमरे की सफाई करवाई, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो पंकज है, आदमी। तो अगर इंसान, जीवित प्राणी, कोई लिविंग बींग हमारा इसमें ऑब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद लगता है वी वन, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इस्तेमाल होगी, और उसके बाद अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में आप कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज, कोई एडवर्ब, जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी, या कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी वैसा वर्ड हम वहां पर डालेंगे। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि अजय हैड मनीष क्लीन द हाउस। इसकी मीनिंग है कि अजय ने मनीष से मकान की सफाई करवाई। अगर आप देखें इसमें स्ट्रक्चर से अगर मैच करेंगे तो अजय इसमें सब्जेक्ट है, हैड हैव का फॉर्म है, मनीष ही इसमें ऑब्जेक्ट है, जो कि यहाँ लिखा था मनीष, ऑब्जेक्ट यूजुअली पर्सन होगा, तो मनीष एक जीवित प्राणी, इसलिए वही ऑब्जेक्ट है हमारा। क्लीन हमारा वी वन है, यहाँ जो वी वन था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्लीन है, और द हाउस जो है वो अदर वर्ड्स में आया। तो इस तरीके से हैव को यूज करेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट एक जीवित प्राणी, यानी किसी आदमी के बारे में आप बता रहे हैं कि मैंने उससे काम करवाया, उसने मुझसे काम कराया, जिसका भी नाम वहां पर आ रहा है। दूसरा सेंटेंस है, राहुल ऑलवेज हैज मी डू हिज वर्क। मीनिंग है इसका कि राहुल हमेशा मुझसे अपना काम करवाता है। इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसमें राहुल सब्जेक्ट है, ऑलवेज तो एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये हमेशा करवाता है, ये बताने के लिए ऑलवेज का इस्तेमाल हुआ है, और इसमें आप देखेंगे तो हैज का इस्तेमाल हुआ है, जो कि हैव का प्रेजेंट फॉर्म है। इसमें मी ऑब्जेक्ट है, तो मी एक, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो यूजुअली एक पर्सन होता है, तो मी एक जीवित प्राणी है, अपने लिए कोई कह रहा है। उसके बाद डू हमारा वी वन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हिज वर्क ये अदर वर्ड्स में आया है। तीसरा सेंटेंस है, पंकज विल हैव जॉन प्रिपेयर फूड। यहाँ कहा जा रहा है पंकज जॉन से अपना खाना बनवाएगा, तो यहाँ पर पंकज सब्जेक्ट है, विल हैव का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि ये फ्यूचर में बात कही जा रही है, तो हैव का फ्यूचर फॉर्म होगा विल हैव, जॉन इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, और प्रिपेयर जिसका मतलब होता है तैयार करना, बनाना, वो हमारा वी वन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हैव का एक स्ट्रक्चर ये है जब आपका ऑब्जेक्ट जीवित प्राणी होता है। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर सीखेंगे जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा एक, वो एक नॉन लिविंग थिंग होगा, एक निर्जीव वस्तु होगी। ये रहा दोस्तों दूसरा स्ट्रक्चर।
ये सब्जेक्ट प्लस हैव और एनी टेंस, इसमें भी आप किसी भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो एक यूजुअली अ थिंग, एक निर्जीव वस्तु है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तु है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि होता है पास्ट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स। जब ऑब्जेक्ट हमारा जीवित प्राणी था तो हमने, लिविंग बींग था तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया था। अब जब ऑब्जेक्ट एक नॉन लिविंग थिंग है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बने, कुछ एक एग्जाम्पल्स। जैसे पहला एग्जाम्पल है, सिमरन हैड हर कार वॉश्ड। अब इसमें किसी आदमी का नाम नहीं कि किससे काम करवाया, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि क्या करवाया, सिमरन ने अपनी अपनी कार धुलवाई, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें सिमरन हमारा सब्जेक्ट है, हैड हैव का पास्ट फॉर्म है, हर कार इसमें ऑब्जेक्ट है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, वॉश्ड वॉश का थर्ड फॉर्म है। इसमें अदर वर्ड्स में कुछ भी नहीं है क्योंकि सेंटेंस में रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दूसरा वर्ड सेंटेंस है, खुशी ऑलवेज हैज हर वर्क डन। खुशी हमेशा अपना काम करवा लेती है, किससे करवा लेती है ये नहीं बताया जा रहा। उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर वन था, पहला स्ट्रक्चर, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, खुशी ऑलवेज हैज हर वर्क डन, खुशी हमेशा अपना काम करवा लेती है। इसमें खुशी हमारा सब्जेक्ट है, ऑलवेज जो है वो इसलिए लगा क्योंकि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, हैज का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि हैव का प्रेजेंट फॉर्म है, और हर वर्क जो है ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो कि एक नॉन लिविंग थिंग, और डन डू का थर्ड फॉर्म है। उसके बाद है एमी विल हैव हर फूड प्रिपेयर्ड, एमी अपना खाना बनवा लेगी। इसमें एमी हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि फ्यूचर फॉर्म की बात चल रही है, हर फूड ऑब्जेक्ट है और प्रिपेयर्ड प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों ये हैव के स्ट्रक्चर थे दोनों। अब हम सीखते हैं गेट का क्या स्ट्रक्चर होता है। गेट के भी दो स्ट्रक्चर होते हैं तो हम एक एक करके सीख लेते हैं। इसमें भी पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गेट एनी टेंस, किसी भी टेंस का इस्तेमाल करेंगे। प्लस इसमें भी जो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट वो यूजुअली एक पर्सन होगा, तो जब किसी आदमी से कोई काम करवाएंगे तब ये स्ट्रक्चर यूज करना है। और अगर इसमें ऑब्जेक्ट पर्सन है तो आपको इन्फिनिटिव विद टू का इस्तेमाल करना है, प्लस अदर वर्ड्स। इन्फिनिटिव विद टू का मतलब है टू प्लस वी वन। एग्जाम्पल समझते, जैसे यहां पर है पहला एग्जाम्पल, जॉन गॉट एलेक्स टू क्लीन द हाउस। जॉन ने एलेक्स से अपने घर की सफाई करवाई, अपने मकान की सफाई करवाई। तो जॉन सब्जेक्ट है, गॉट गेट का पास्ट टेंस है, हम किसी भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस एनी टेंस। जैसे हैव में भी हमने किसी भी टेंस का इस्तेमाल किया था वैसे ही। अब हैव में तो था वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें है इन्फिनिटिव विद टू, तो क्लीन के पहले टू लगा हुआ है, टू क्लीन द हाउस जो है ये अदर वर्ड्स में आया। सो जॉन गॉट एलेक्स टू क्लीन द हाउस, इस तरीके से बना सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल है, शी ऑलवेज गेट्स मी टू डू हर वर्क, वो मुझसे हमेशा अपना काम करवा लेती है। तो शी ऑलवेज तो इसलिए लगा क्योंकि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, यहाँ गेट का प्रेजेंट वाला फॉर्म इस्तेमाल हुआ है जो कि है गेट्स, मी इसमें ऑब्जेक्ट है जो कि एक जीवित प्राणी है, टू डू इन्फिनिटिव विद टू है, और हर वर्क अदर वर्ड्स में आया। तीसरा एग्जाम्पल है, रॉनी विल गेट मी टू प्रिपेयर फूड, रॉनी मुझसे अपना खाना बनवाएगी। इसमें रॉनी सब्जेक्ट है, विल गेट इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि गेट का फ्यूचर फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, मी ऑब्जेक्ट है एंड टू प्रिपेयर इन्फिनिटिव विद टू है, फूड अदर वर्ड्स में आया। तो दोस्तों ये गेट का पहला स्ट्रक्चर था जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक नॉन जीवित प्राणी होता है, एक लिविंग बींग होता है। अब हम देखेंगे दूसरा स्ट्रक्चर जो कि एक निर्जीव वस्तु है। तो दोस्तों ये गेट का दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें ऑब्जेक्ट एक निर्जीव वस्तु होगी। तो ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस गेट यानी एनी, अच्छा इसके बाद एनी टेंस, किसी भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी, प्लस ऑब्जेक्ट है जो कि इसमें यूजुअली एक थिंग होगा, एक निर्जीव वस्तु होगी, प्लस वी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है, प्लस अदर वर्ड्स। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहां पर है पहला सेंटेंस है, जॉन गॉट हिज हाउस क्लीन्ड। अब इसमें किसी आदमी का नाम नहीं किसे काम करवाया, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि क्या काम करवाया। तो जॉन ने अपने मकान की सफाई करवाई, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए जॉन सब्जेक्ट है, गॉट गेट का पास्ट टेंस है, हिज हाउस ऑब्जेक्ट है जो कि एक थिंग है, और चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इसमें वी थ्री यूज हुआ है। तो क्लीन का वी थ्री होता है क्लीन्ड, इसलिए हमने यहां पर क्लीन का इस्तेमाल किया। सो जॉन गॉट हिज हाउस क्लीन, जॉन ने अपने मकान की सफाई करवाई। जो दूसरा एग्जाम्पल हुआ है, शी ऑलवेज गेट्स हर वर्क डन, शी सब्जेक्ट है, ऑलवेज तो सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि हमको बताना है हमेशा, गेट्स का इस्तेमाल हुआ है जो कि गेट का प्रेजेंट का फॉर्म है, हर वर्क ऑब्जेक्ट है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, डन डू का थर्ड फॉर्म। उसके बाद है रॉनी विल गेट हर फूड प्रिपेयर्ड, रॉनी अपना खाना बनवा लेगी, रॉनी सब्जेक्ट है, विल गेट इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि फ्यूचर फॉर्म है, हर फूड ऑब्जेक्ट है एंड प्रिपेयर्ड प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म है।
तो इस तरीके से हम गेट के दूसरे स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। अब हम आते हैं मेक के ऊपर। तो देखिए मेक में हमको क्या बात समझनी चाहिए, या साफ साफ लिखा हुआ है कि मेक इज स्ट्रॉन्गर देन हैव एंड गेट। हैव और गेट में तो शायद प्रार्थना का भाव था या सीधे बोल करके करवाने का भाव था। मेक का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब थोड़ा सा जबरदस्ती वाली बात हो। तो यहां लिखा है इट कंस्टिट्यूट्स ओनली वन स्ट्रक्चर एंड इट डज नॉट टेक एनीथिंग पैसिव एज इट्स ऑब्जेक्ट। चूंकि इसके ऑब्जेक्ट में पैसिव का फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसका एक ही स्ट्रक्चर होता है। तो हम देख लेते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस मेक और फिर एनी टेंस, यानी मेक, मेक्स, मेड, तीनों का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी का भी यूज कर सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑलवेज अ पर्सन, ये हमेशा सिर्फ एक जीवित प्राणी ही होगा, और तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे प्लस अदर वर्ड्स। तो देखते हैं सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है राहुल मेड मी कैरी हिज बैग, राहुल ने मुझसे अपना बैग उठवाया। अगर आप देखें इसमें राहुल सब्जेक्ट है, मेड मेक का पास्ट टेंस है, मी ऑब्जेक्ट है जो कि एक पर्सन है, इसमें हमेशा पर्सन ही ऑब्जेक्ट होगा। कैरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है उठाना ढोना, हिज बैग अदर वर्ड्स में आया। दूसरा सेंटेंस है एमी विल मेक मी प्रिपेयर फूड, एमी मुझसे अपना खाना बनवाएगी। एमी सब्जेक्ट है, विल मेक इसलिए यूज हुआ क्योंकि ये फ्यूचर का फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है, प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फूड अदर वर्ड्स में है। नंबर थ्री जो सेंटेंस है आई मेड हिम क्लीन द हाउस, मैंने उससे मकान की सफाई करवाई, इसमें आई सब्जेक्ट है, मेड पास्ट टेंस में लिखा गया, मेक का पास्ट टेंस है, हिम ऑब्जेक्ट है, क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द हाउस जो है वो अदर वर्ड्स में आया। तो इस तरीके से हम मेक का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम देखते हैं कि लेट को कैसे यूज करेंगे। तो इसका भी दोस्तों एक ही स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस लेट और एनी टेंस, किसी भी टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो लेट, लेट एंड लेट्स या विल लेट ऐसे करके यूज करेंगे इसको, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है आपका, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। देखिए सेंटेंस से समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है ही लेट्स हिज वाइफ फोकस ऑन हर करियर, कि वो अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को अपने करियर पर फोकस करने देता है, ये सेंटेंस है। तो ही सब्जेक्ट है, लेट्स का इस्तेमाल हुआ है जो कि लेट का प्रेजेंट का फॉर्म है, हिज वाइफ इसमें ऑब्जेक्ट है, फोकस वी वन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑन हर करियर अदर वर्ड्स में आया। अब कोई सेकंड सेंटेंस में कोई पूछ रहा है विल यू लेट मी यूज योर कंप्यूटर, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें विल पहले आ गया, यू सब्जेक्ट है, लेट विल के साथ लगा हुआ है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा लेट का, मी ऑब्जेक्ट है, यूज हमारा वी वन है और योर कंप्यूटर अदर वर्ड्स में आया। और उसके बाद नंबर थ्री द ट्रेनर लेट मी, ये पास्ट टेंस में लिखा है तो लेट का पास्ट टेंस लेट ही होता है, इसलिए ऐसा सेंटेंस है। तो कहा जा रहा है द ट्रेनर लेट मी ड्रिंक सम वाटर आफ्टर द वर्कआउट, कि मेरे ट्रेनर ने कसरत करने के बाद, वर्कआउट के बाद मुझे थोड़ा सा पानी पीने दिया, ये कहा जा रहा है। तो द ट्रेनर इसमें सब्जेक्ट है, लेट पास्ट फॉर्म है लेट का ही, मी ऑब्जेक्ट है, ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बाकी जो वर्ड्स है वो अदर वर्ड्स में आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमको कॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ दूसरे भी कॉजिटिव वर्ब्स होते हैं वो भी यहाँ लिखे हुए हैं। अदर कॉजिटिव वर्ब्स आर हेल्प, कॉज, अलाउ, इनेबल, फोर्स, रिक्वायर, परसुएड, ये सब दूसरे कॉजिटिव वर्ब्स हैं। इनका भी इस्तेमाल आप किसी से, हमने किसी काम को करवाया किसी तरीके से, इसको बताने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑल ऑन कर लें बेल आइकॉन को प्रेस करके, जिससे कि मैं कभी भी कोई वीडियो डालूँ तो आपसे मिस ना हो और आप उस चीज़ को सीख सकें। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।